हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के एमडी संदीप कुमार बैजनाथ में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, एचआरटीसी में जो आज हड़ताल हुई है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वह कर्मचारी नेताओं के साथ मेज पर कहीं भी बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, बातचीत से ही किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। उन्होंने आज धर्मशाला में कर्मचारी नेताओं के साथ बात की है और उन्हें अपनी बात कही भी रखने का न्योता दिया है। उन्होंने बैजनाथ बस अड्डे के बारे में कहा कि बस अड्डे की जो बिल्डिंग है वह पुरानी हो चुकी है, उन्हें अनसेफ घोषित किया है, जिन्हें जल्दी ही गिरा दिया जाएगा। आरएम शिमला के तबादले को लेकर उन्होंने कहा कि वह पिछले 8 वर्षों से शिमला में तैनात थे, जिन्हें अब निर्वा ट्रांसफर किया गया है और जो शिमला में आरएम लगाए गए हैं किसी बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए उन्हें शिमला लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन किसी भी वार्ता के लिए तैयार है, इसलिए कर्मचारी हड़ताल का रास्ता छोड़कर बातचीत के लिए आगे आए। इस अवसर पर उनके बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी आरएम बैजनाथ भी उपस्थित रहे। हमारे इनकम बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन अभी हमने रिस्टोर करना शुरू किया था, रिगेन करना शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये जो स्ट्राइक हुई है इसकी वजह से हमारे ऑपरेशन भी इफेक्ट हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन भी इफेक्ट हुई। इससे कहीं ज़्यादा जो दुख की बात है कि आम आदमी को बहुत इनकन्वीनियंस हुई। प्रबंधन जो है, पहली तो बात है कि हमारे से कोई इस विषय पे मेरे से या माननीय मंत्री महोदय से किसी ने बातचीत नहीं की, और पहले कर्मचारियों ने जो है वो स्ट्राइक करने का निर्णय लिया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी निगम प्रबंधन के कर्मचारियों से अनुरोध करता हूँ, सभी ट्रेड यूनियन से अनुरोध करता हूँ कि अपनी स्ट्राइक को वापस लें। हमारा एचआरटीसी के ऊपर सारे लोग बहुत विश्वास करते हैं, बहुत लोगों की निर्भरता जो है वो एचआरटीसी के ऊपर है, और प्रबंधन जो है वो आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। आप कुछ लोगों ने, जेसीसी ने मुझे कुछ मुद्दे दिए हैं और उनके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और आपके मुद्दों को मैं स्वयं भी उठाता रहता हूँ जहाँ जो भी कोई प्लेटफॉर्म होता है। तो हम एक परिवार के रूप में हमेशा संगठित हैं, आपके जितने भी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उनको समय समय पर उठाते रहते हैं, और सरकार की तरफ से हर डिमांड को पूरा करने की डायरेक्शन भी दी जाती है, और समय समय पर डिमांड्स जो है वो पूरी भी हो रही हैं। अभी पिछले महीने ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एचआरटीसी की रिव्यू मीटिंग की, इससे पूर्व में 2 बार माननीय मंत्री महोदय ने मीटिंग की, तो एचआरटीसी के सभी कर्मचारी के मुद्दे जो हैं उनको सुलझाने का हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आरबी यूनियन के मिस्टर मिलाप और भारतीय मजदूर संघ के प्रेसिडेंट, वो भी धर्मशाला में ही हैं, उनका नाम है मिस्टर प्यार सिंह, इन दोनों से मेरी बातचीत हुई थी कि हम आप सभी जो भी बातचीत आगे की प्रक्रिया, उनको डिसमेंटल करने की प्रक्रिया और वहाँ पर अच्छा पीपीपी मोड पे बस स्टैंड बने, ये सारी प्रक्रिया की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और माननीय मंत्री महोदय, परिवहन मंत्री महोदय ने जो अनुमति दे दी है, तो आज मैं इसी का रिव्यू करने यहाँ बैजनाथ आया हूँ, जिससे कि हम वहाँ से आरएम ऑफिस की शिफ्टिंग, वर्कशॉप कहाँ से फंक्शनल होगी, इन विषयों के ऊपर जो होगा मैं बातचीत कर सकूँ और अंतिम निर्णय ले सकूँ, जिससे कि डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया जो है जल्दी से जल्दी शुरू हो और अगले वर्ष तक यहाँ पर बस अड्डे का निर्माण शुरू हो। बैजनाथ से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता शिव सूद की रिपोर्ट।